यही सही था। हम दोनों कम ऐसे करीब रहना ही सही है। ओके, फोटो वाला प्लान कैंसिल। दक्ष, तुम वीर की ड्रिंक में वो मिला देना, बाकी मोनिका वीर को अपने रूम में ले जाएगी और मैं पानी को उनके पास। फिर जो तस्वीरों में होना था वो बानी के सामने होगा। तुम मेरे हो और मेरे साथ ही फिट हो, उस औरत के साथ नहीं। रिंग मिला देना। ऑल द बेस्ट। भाई क्या हुआ ब्रो, गले पड़ने वाली को लिटरली गले से लगा लिया? What the hell? जाती क्या होता? भाग गए क्या ब्रो? Shut up. Come on. बेबी, मुझे तो लगा था तुम भूल ही गए मुझे। मैं तो बस जाने ही वाली थी। तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। देखो बानी, मैं जानता हूं तुम्हें लगता है वीर बदल चुका है, लेकिन वो अभी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल पुराने जैसा वीर। वो देखो किसी के साथ जा रहा है। तुम तो नहीं हो ना बानी। अब बोलो, अगर तुम्हें लगता है कि वीर भूल के भी तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स भुला नहीं सकता, तो ये क्या है? किसी और के साथ क्यों जा रहा है? नहीं, मैं वो किसी और के साथ नहीं है। वो अच्छा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं बानी, तुम खुद जाके देखो कि वीर क्या कर रहा है, फिर अपने आप साबित हो जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही। और अगर वो किसी के साथ हुआ तो मैं तुम्हें फौरन यहां से ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी और बेइज्जती बर्दाश्त होते हुए नहीं देख सकता, समझी तुम? एक मिनट, मेरा भाई कहाँ है? उन्हें क्यों बुला रहे हो? मुझे नींद आ रही है, I wanna sleep. तो फिर तुम्हें भाई की नहीं बेड की जरूरत है। बैठ के? और वो मेरे कमरे में है ना। कम वीर ने जरूर इस होटल में अपना रूम बुक करवाया होगा और वो अभी उस लड़की के साथ ही होगा। चलो चल के देखते हैं। नहीं विरांचु, कभी ऐसी ओछी और गरीब हरकत नहीं कर सकता। लगता है तुम उससे अपनी पहली मुलाकात भूल गई हो।
पैर की रस्म पूरी नहीं हुई ना? नहीं, कुछ अच्छा दो यार। वो तब की बात थी। ओ, तो अब की बात करते हैं। मुझे गलत साबित करने के लिए चल दो। Come on. Fine. चलो। ये रहा हमारा बेड बेबी। हमारा बेड। बानी, एक काम करो, तुम सीधा देखो, मैं यहां देखता हूं। अब काम हो गया, अब पानी सब अपने आप ढूंढ भी लेगी और देख भी लेगी। नागिनी देखो, उन दोनों को एक साथ किसी भी वक्त देख लेगी। शायद देख लिया होगा। पानी यहां नहीं है, मतलब कमरे में होंगे। सब कुछ देख लिया होगा, अपने पति की लाइव परफॉर्मेंस भी। तुम यही चाहती थी ना? कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। डायमंड, ये हुआ कैसे? बोलो ना, यही चाहती थी ना? चाहती थी मैं। डेस्परेट हो तुम? किनारी है मुझे तुमसे। हाँ, जिस कह रहा लीव दफा हो जाओ। देखो, मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम समझ रही हो? गेट अप, लीव, गेट आउट, निकलो यहां से। ये सच है तो तुमने उस लड़की को अपने नसीब क्यों नहीं आने दिया?
जाओ। जाओ जाओ यहां से। Just go। अरे हम तो यहाँ साथ आए थे ना, तुम खुद मेरा हाथ खींच कर लाए थे। हाँ पर वो अब मुझे सही नहीं लग रहा, गलत लग रहा है। Just go। Just go। पता नहीं ये क्या फीलिंग है, पर मुझे लगता है मैं किसी और का हूँ, मुझे उसके साथ होना चाहिए। Oh God, मुझे नहीं पता था तुम इतने बोरिंग हो। Come on, you know, ये बस वन टाइम के लिए है। Just go, get out। विरांशु को तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना, और अगर इसके बाद भी तुमने जबरदस्ती घेरा तो वो जुर्म होगा और मुझे पुलिस को बुलाने में देर नहीं लगेगी, समझी तुम? Get out। Out। खुद तुमने उसे भगा दिया, मैं उसका हाँ। मैं जानती हूँ, जानती हूँ कि तुम्हें उसका नहीं होना था और तुम उसकी हो भी नहीं। अब मुझे ये बताने की कोशिश मत करना कि मैं गलत हूं। मैंने उसे कहा कि मुझसे दूर है, मेरे नजदीक ना आए, मैंने उसे मुझसे दूर जाने के लिए कहा। हाँ, क्योंकि तुम खुद को किसी और के करीब महसूस करते हो। तुम किसी और के हो और तुम्हें उसी का होके रहना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा बनना चाहता हूं, तुम्हारा होना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है। सही कहा था दक्ष ने, बिल्कुल सही कहा था। तुम वो क्या कहते हैं ना, गले पड़ने वाली वो जड़प लड़ी स्टॉकर हो बानी। तुम बला हो, बला तुम बला हो एक्चुअली। ये क्या कर रही हो, दूर हटो। ये देखो, ये क्या कर रही हो तुम? तुम मेरे मेरे कंगन का लेके घूम रहे हो। ये देखो राजू, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए ना, तुमसे मेरी कोई ना कोई चीज जुड़ी जाती है। एक मिनट प्लीज, नहीं मेरी यहाँ शांति से बैठो, मेरी बात सुनो। मैं वाकई तुम्हारी बीवी हूँ। बकवास बंद करो अपनी। बीवी माय फुट, मुझे दूर आओ मुझे। ये बकवास मत करो मेरे सामने प्लीज। मैंने कहा ना तुम स्टॉकर हो, ब्लडी स्टॉकर, कुछ नहीं, तुम सिर्फ एक स्टॉकर हो, कुछ नहीं। तुम सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हो, ये तुम दिल से नहीं बोल रहे हो। प्लीज अभी यहां सुने प्लीज, रो मत। क्यों? मुझे आंसू बिल्कुल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्यों? प्लीज रो मत। तुम्हें बुरा लगता है जब मैं रोती हूँ?
तुम्हें तकलीफ होती है जब मैं रोती हूँ? हाँ, तुम्हें गलत लगता है ना जब कोई कोई ऐसी पराई लड़की तुम्हारे करीब आती है? तो ये सब मैं जानती हूँ। जसको, आज आज जब आज रात को जब तुम गाड़ी मेरे सामने से लेके गए और मैं रो रही थी तो तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें तकलीफ हुई विराट, तुम जानते हो। और ये मैं पूछ रही हूँ, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, यही सच है। ये तुम महसूस करते हो कि तुम उससे प्यार करते हो? You love me. Don't touch me. मुझे मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम अब प्यार हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो। नजरें मत हटाओ। नजरें मत हटाओ। मेरी तरफ देखो। मैं फुट। मेरी तरफ देखो। मेरी आँखों में तुम्हें सच दिख जाएगा, जिसे तुम मानना नहीं चाहते। मेरी तरफ देखो एक बार मेरी तरफ। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं हार नहीं मानने वाली। ये प्यार का सवाल है हमारे। मैं नहीं हार मानने वाली। कहा मुझे अकेला छोड़ दो। देखा चोट लगी है। मैं जा रही हूं। रुको, बैठो बैठो। क्या हो गया? फोटो का है, फोटो दिखा। चुप करो। सारा प्लान फ्लॉप हो चुका है, सब गड़बड़ हो चुकी है। पता नहीं किसने किया है सब। लाइट क्यों चली गई? ए, ऑन करो। तो फरिश्ता है। ये कहां गया? भाग, रुक जाओ, जो जहां है वहीं थम जाओ। ये क्या कर रहा है? क्या करूं मतलब? चुपचाप बैठी रहो, ज्यादा बोलो मत। हां, मैं चाहूं तो अभी के अभी ये घाव भर सकती हूं, लेकिन तुम मुझे भूल चुके हो। इसे मैं तुम्हारे आगे अपने पुराने रूप में नहीं आ सकती। ये नहीं वीरांशु, वीरांशु का
वीर के पीछे है, उसे ढूंढने जा रहा है। फिर तो बाढ़ में गया मेरा प्लान। इस फरिश्ते का पीछा करता, ये खुद ही पानी का सब कुछ तबाह कर देगा। मेरी परवाह है तुम्हें कि मुझे चोट आई है? सकला मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ क्या होता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं तो बस बचो। विरांचू, तुम्हें खुद को नहीं बचाना क्या? मेरे पास शक्ति है, मुझे कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। कोई भी नहीं है यहां, तो सब कुछ ठीक ठाक है। गड़गड़ाहट की आवाज मैंने खुद सुनी थी। फिर पानी कहां गायब हो गया? अरे फ्रेशनर पता नहीं कौन गया। अरे ये म्यूजिक किसने बंद किया? ऑन करो। इसे तो मैं बताता हूँ। सुन, जय हमसे कुछ कह रहा था ना? हाँ, वो कुछ कह तो रहा था कि प्लान फ्लॉप हो गया है। उसके बाद यार पता नहीं क्या कह रहा था वो। पानी वीर अपने कमरे में नहीं है, जल्दी आओ। कम ऑन, चलो। प्लीज अपनी आंखें खोलो विरांचो। निराश, बहुत निराशा हुई तुम्हें यहां पे देख के आधी नाके। ये क्या किया तुमने? क्या किया? तुम्हारे इस चील को धूल चटा दी, वो भी तुम्हारे इसके साथ रहने के बावजूद। और अब मैं वो बदला लूंगा जो असल में तुम्हें लेना था सालों पहले। ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें बोल बोल के थक गई हूँ कि विरांचो बुरा नहीं है, तुम सुनते क्यों नहीं हो? क्योंकि ये वो आदि नागिन नहीं बोल रही जो कभी नागवंश की रखवाली थी, जो तेज थी, निडर थी, हिम्मत वाली थी। ये आदि नागिन तो चीलों की चौकीदार बन चुकी है, जो एक चील से प्यार करके दीवानी की तरह इधर उधर घूमती रहती है। हाँ आदि नागिन, तुम अपने हाथों अपने नागवंश का विनाश कर रही हो, और ऐसे विनाशकारी लोगों से बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है। इसलिए मेरे रास्ते से हटो और मुझे मेरा काम पूरा करने दो। खबरदार, सही समझी? देखो कमजोर पड़ रही हो तुम, और तुम पे ही अत्याचार मैं ही कर रहा हूं। क्योंकि मैं जहां से आता हूं वापस सब कुछ अच्छा है, सारे लोग अच्छे हैं, सब सही, और जो तुम कर रही हो वो गलत है आदि नागिन, इसलिए तुम कमजोर पड़ रही हो। और अब तुम वो होगी जो मुझसे हारेगी। बस कुछ देर और, फिर उस कहानी का अंत हो जाएगा जो तुमने सत्ययुग में शुरू की थी आदि नागिन। अरे वो कहानी बदल गई है, अब इस युग में सब कुछ अलग है। और ये मेरा नहीं भोलेनाथ का कहा, तुम मेरी ही तो भोलेनाथ की, तो सुन लो। क्यों कर
नहीं, 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 नहीं। दिल को मजबूत कर लो आदिनाग, क्योंकि इसके मरने से पहले मैं ऐसा कई बार करने वाला हूं, ताकि इसकी मौत थोड़ी आसान हो। विराजू, मेरी मदद कीजिए, आप जानते हैं मैं गलत नहीं हूँ, मेरा विराजू गलत नहीं है, मेरा प्यार, मेरा बच्ची, तो मेरी मदद कीजिए ना। आत्मा और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे रहते हुए मेरे पति को कोई नहीं छू सकता। ठीक है, फिर तो तुम्हें भी इसके साथ मरना होगा। अलविदा दीना के। अभी भी वक्त है आदिना के, मान जाओ, पीछे हट जाओ, बोलो पीछे हटोगी या नहीं। राजू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैंने कहा मैं हूं तुम्हारे साथ। नहीं बचा पाओगे, क्योंकि मैं अभी तक यहीं हूं। आज तेरी मौत टल नहीं सकती जी, वो बिल्कुल अटल है मेरे इरादे की तरह, और आज तू मरेगा, वो भी एक फरिश्ते के हाथों। माफ कर दो, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे विरांशों को छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, प्लीज कुछ मत करना। तुम्हें मेरी प्रेम कहानी खत्म करनी है ना, तो तुम मुझे मार दो, मेरी मेरी जान ले लो, लेकिन लेकिन मेरे प्यार को बख्श दो प्लीज, मेरे विरांशों को बख्श दो, उसकी जान बख्श दो। तुम तो फरिश्ते हो ना, तुम तो प्यार बांटते हो, तो फिर मेरा प्यार मुझसे क्यों छीन रहे हो, ऐसा पाप क्यों कर रहे हो। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं मानना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती, मुझे मुझे अपने विराज को बचाना था, मेरा प्यार है वो, मेरा सुहाग है वो। विराजू, पाने, विराजू, उठो, उठो, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो क्या? पाने, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हाँ? लेकिन तुम ठीक हो क्या? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? विराजू, ये मैं
तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो? विरांचु, तुम यहाँ मेरे पास क्या कर रहे हो? यहाँ पर कहाँ तुमसे दूर रहो? दक्ष पंगे, इसे दूर करो मुझसे। दूर रहो मुझसे। तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? दक्ष पंगे। मतलब ये कि सब सच था? कहानी वाकई में बदल चुकी, इसलिए मैं हार गया, इसलिए मैं नाकाम था। ये तो होना ही था। सच्चा प्यार सिर्फ खुद की मौत मरता, से कोई नहीं मर सकता, कोई नहीं, एक फरिश्ता भी नहीं। मुझे आदिनागिन से मिलना ही होगा, लेकिन अगर जय आसपास रहा तो ऐसा होने नहीं देगा। मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो। पानी, तुम्हें पता है मैंने आज तक तुम्हें कमी चीजों के लिए रोका है। तुम्हें भी ये पता है कि मैं उन चीजों के लिए भी कभी नहीं रुकी। मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है, और मेरा दिल यही कहता है कि विरांचु बिल्कुल सही है। ये सब देखने के बाद भी वो काफी था मुझे ये तसल्ली देने के लिए कि विरांचु मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। वो भले इस वक्त उसे मैं याद नहीं हूँ, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमारा प्यार शर्मिंदा हो। वो इस हालत में भी मेरे लिए अपने प्यार के लिए वफादार है। इससे ज्यादा मुझे तुम्हें और कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दोगे तो मैं नागिन रूप लेके अभी यहां से निकल जाऊंगी। नहीं बाली, रुको। तुम थकी हुई लग रही हो, तुम्हारे घाव अब तक भरे नहीं है। जो तुम बताओगी नहीं किसने दिए। खैर बेटा, मैं छोड़ देता हूं। तुम्हारा मंदिर वाला है ना? अरे वही, वो जो सांपों को मार पीट के उसके अंदर रखता है। सबेरा वो हमारे घर के बाहर है। साला छुप रहा था जब हम गाड़ी अंदर लेके आए। वैसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वीर भाई पीछे सीट पे बेहोश पड़े हुए थे तो सपेरे ने देखा नहीं। लेकिन तुम उस नागिन के साथ आओगे तो ध्यान से आना, कहीं वो साला कोई गड़बड़ करने ना आया हो। ठीक है, हमारी शक्तियां कब तक मिलेंगी? गड़बड़ तो सपेरा जरूर करेगा, इसलिए पानी को आगे वाले गेट से ले जाना सेफ नहीं। पता नहीं क्या बोलने आया वो इससे। किससे बात कर रहे थे तुम? वो मीरा दी का फोन था। मीरा दी क्या बोली? सब कुछ ठीक है? वो कहती है कि वीर काफी परेशान है। पर तुम्हें वहां नहीं आना चाहिए, ये उनकी सलाह है। तो इस बार मैं पहली बार होगा ऐसा जब मैं उनकी सलाह नहीं मानूंगी। मैं विरांचु को अपनी नजरों से दूर नहीं रख सकती। जल्दी चलो जाए। ठीक है, हम पीछे के रास्ते से जाएंगे और वहां पहुंचते ही हम नाग रूप लेंगे। मैं नहीं चाहता कि वहां पे कोई ड्रामा हो और मीरा दी को लगे कि मैं उनकी बात नहीं मानी। ठीक है।
मैं आपको समझा नहीं सकता था। ये क्या हो रहा है, क्यों होता है? वो लड़की वहां पर थी, वहीं पर थी। वो गले पड़ने वाले स्टॉकर? हाँ वही 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 पानी, वो पानी, वो पला, वो सब कुछ वहीं पर थी। आप उसे निकाल क्यों नहीं बाहर भेजते? हाँ कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या मुझे तकलीफ हो रही है? आपको समझ में आ रही है? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ डैड, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं प्लीज, मुझे जब सामने आती है ना तो मेरा सर फटता है, सांसें भर आती है, कुछ समझ नहीं आता, इरिटेट करती है। मैं तकलीफ मुझे हो रही है, आप समझ रहे हैं बात? वीर मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ, तू शांत हो पहले। शुक्ला पानी। मुझे तकलीफ हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे 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 दर्द हो रहा है। तू संभाल अपने आप को, मैं I promise, कोई बात नहीं करेगा उसके बारे में। तू बस अपने आप को संभाल। मुझे तकलीफ हो रही है। तू संभाल। मुझे बहुत घबराहट होती है डैड। नहीं वीर, ये अच्छा नहीं है डैड, तकलीफ हो रही है। और देख वीर, इट्स ओके, तू परेशान मत होना, हम तेरे साथ, हम यही हैं। I'm okay डैड। तू एक काम कर, तू आराम कर, रिलैक्स हो। पवन साहब का फोन नहीं लग रहा। मैं भी डैड को कब से फोन लगा रहा हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे। जस्ट एक मिनट। मैं ठीक हूँ। तू चेक कर पवन कहाँ पे है, फोन क्यों उठा रहा है? और देख वीर, तू अपने दिमाग को ठंडा रख, तू शांत हो, तू प्लीज स्ट्रेस मत ले। हम सब है ना तेरे साथ, जो तू बोलेगा वही होगा, ठीक है? बस तू संभाल अपने आप को, तू आराम कर। मैं ठीक हूँ। मैं भी आता हूँ, रेस्ट कर बेटा। मुझे तकलीफ हो रही है, आपको समझ में आ रही है? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ डैड, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं प्लीज, मुझे जब सामने आती है ना तो मेरा सर फटता है, सांसें भर आती है, कुछ समझ नहीं आता, इरिटेट करती है। मैं पागल हो डैड, प्लीज। मुझे माफ कर देना, मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं सूझा, मुझे बस फिराजू की जान बचानी थी किसी भी कीमत पर। मैं बस उसे बचाना चाहती थी, और मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। कसम से मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगी, तुम्हारे सारे घाव मार दूंगी मैं। तुम उसकी ढाल बनी जबकि इसमें खुद तुम्हारी जान जा सकती थी। ये मेरे जादू से इसका घाव क्यों नहीं ठीक हो रहा? ऐसे कैसे हो सकता है? फिराजू के लिए मुझे वो भी मंजूर था। नहीं, फरिश्ता, फरिश्ता, फरिश्ता। मैंने ऐसा रूहानी प्यार पहले कभी नहीं देखा आदिन आगे, ऊपर आसमान में भी नहीं। आदिन आगे, मैं एक फरिश्ता हूं, दो रंग काला या सफेद वही देखे है जिंदगी में, पर तुम्हारा बेपना बेइंतहा प्यार देखने के बाद मेरी आंखें खुल गई और दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग मुझे दिख गया, सच्चे प्यार का रंग। मैं ये सोच के आया था कि चदरी चदरी चीनों को खत्म करना तुम्हारी किस्मत है और तुम्हें वही करना चाहिए, बट फिर पता लगा कि लोग बदलते हैं, सोच बदलती है और किस्मत का लेखा भी बदलता है अधीना के। पर अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है सच्चा प्यार, जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, भगवान भी नहीं बदल सकता, और भगवान का ये भेजा हुआ
भेजा हुआ फरिश्ता भी नहीं बता सकता। मुझे माफ कर देना आदिनागे, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, गलती की। नहीं, कर दो, सब कुछ ठीक कर दो। कर सकता हूं दीदी, काश मैं कर पाता, पर वो मैं नहीं कर सकता। परी और फरिश्तों का दिया गया श्राप अलंकार तक रहता, वो मैं बदल नहीं सकता, और तब तो मैं मर भी रहा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम पहले जैसे हो जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं, और जितना वक्त है उसमें मुझे वापस परी लोग पहुंचना, सिर्फ तभी बच सकता हूं मैं, पर यहां नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आती लगी। फरिश्ता, तुम ये नहीं कर पाओगी आती ना कि सब कुछ समय है मेरे पास, और इस कुछ समय में मुझे परी लोग पहुंचना, उसके बाद ही मैं बच सकता हूं, पर यहां नहीं, ऐसे नहीं। मैं तुम्हें जाने से रोकूंगी नहीं फरिश्ता, लेकिन जाने से पहले पहले कुछ कर जाओ, फिर आज के लिए कुछ कर जाओ, फिर आज पहले जैसा हो जाए मुझे याद कर ले, वो दुआ दे जाओ, प्लीज प्लीज ठीक कर दो उसे। मेरे बस में नहीं आती ना, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि कोई है जिसने आसमां के ग्रहों के साथ छेड़छाड़ की, ताकि घोर मृत्यु युग तुम्हारे लिए आदि ना के।